आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज दिनांक 2 नवंबर को नौरोजाबाद के जोहिला नदी सिद्ध घाट में इच्छा नवमी पर्व को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि यह पर्व आंवले के वृक्ष के नीचे ही मनाया जाता है। इस पर्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस पर्व में आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है ताकि पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे। इस पर्व को मनाने के लिए जोहिला नदी सिद्ध घाट में आसपास सही दूर दराज के लोग भी आते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। पकवान तैयार होने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस अच्छा नवमी पर्व की विशेषताओं के बारे में जब हमारे संवाददाता ने जानकारी ली तो सुनिए श्रद्धालुओं ने क्या कहा। कहाँ से आई हैं आप? क्या कुछ मानता है आज इच्छा नवमी के दिन आंवला के नीचे खाने की? इच्छा नवमी के दिन पूजा करने से धन धान की बढ़ोतरी होती है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि आती है पूजा करने से। और इसका इतना बड़ा प्रताप है कि इनको अगर आंवले के जड़ को दूध से नहलाया जाए तो उससे और ज्यादा प्राप्ति मिलती है। और यही सब होता है। अब माँ की कृपा विष्णु लक्ष्मी की बनी रहती है सदा। प्रसाद चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, सुहाग चढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। कहाँ से आप आए हैं? नौरोजाबाद वार्ड नंबर 7। आज इच्छा नवमी का दिन है जी। आप लोग आंवला के नीचे पिकनिक मना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं जी। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसकी? ये बहुत अच्छी मान्यताएं हैं। आज हम 14 वर्ष से यहाँ इसी स्थान में सिद्ध आश्रम में आ रहे हैं और पिकनिक मनाते हैं अपने बाल बच्चों सहित। भगवान के दर्शन एवं जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उन के भोजन प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और इस इच्छा नवमी का बहुत बड़ा भारी महत्व है और हम आप मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि पर्व में यहाँ आके जनता के सामने अपनी बात को उजागर करने हेतु पहुँचे। बोलिए।